हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड। तो आज था अष्टमी का दिन, तो मैं बनाने लगी थी चने छोले और साथ में हलवा। तो मैंने चनों को उबाल लिया था, फिर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली और उसके अंदर डाला सरसों का तेल और थोड़ा सा डाला जीरा, फिर डाला हींग और फिर ले लिया धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और सारे मसाले तेल में डाल के फिर मैंने चनों को छान लिया था और उनको डाल दिया कढ़ाई में और थोड़ा सा आमचूर और कस्तूरी मेथी डाल दी। और जो चनों का पानी मैंने बचा के रखा था, इसको 5 मिनट सिम गैस पे भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया और उसको तेज गैस पे इसको अच्छे से चनों को भुन लिया पानी के साथ और बहुत ही अच्छे चने तैयार हो गए। उसको मैंने गैस को कर दिया 5 मिनट बाद बंद और मेरे चने फुली तैयार हो गए। और इसका भोग मैं लगाऊंगी, तभी मैं इसको चखूंगी। उतनी देर में मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया देसी घी। मैंने यहाँ डाला है 2 चम्मच देसी घी। यहाँ मैं बना रही हूँ 3 मिक्स करके हलवा। 1 कड़छी सूजी ली है, 1 कड़छी बेसन और 1 कड़छी आटा। यहाँ मैंने बड़ी वाली कड़छी यूज़ किया, ये जो मैं कड़छी यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हैं। तो इसको भुना मैंने आधा घंटा। भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि घी कैसे पतला हो गया है और बेसन, सूजी, आटा सब मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ढाई कड़छी मैंने चीनी की निकाल के रख ली है और इसको आधा घंटा जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आ जाएगी उसको निकाल दिया, चीनी को डाल दिया, मिक्स करा और फिर मैंने अंदाजे से उसको पानी डाला। मुझे जैसे ये कढ़ाई को छोड़ने लग जाए मतलब हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। और देख सकते हैं अब इसका कलर ऐसा आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट।